नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अब छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही मिल जाएगी मार्कशीट और माइग्रेशन। जी हाँ, आपको बता दें, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए यह खबर राहत देने वाली है, क्योंकि कोरोना महामारी के इस दौर में उन्हें माइग्रेशन और मार्कशीट के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेजों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने फैसला लिया है कि मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट छात्रों के पते पर ही भेज दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति विनय कुमार पाठक ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का निरीक्षण करते हुए यह घोषणा की। निरीक्षण के दौरान काउंटर पर खड़े छात्रों की भीड़ को देखकर कुलपति बेहद नाराज हुए। छात्रों की इस भीड़ में तमाम छात्र ऐसे भी थे जो दूसरे जिलों से आए थे। इस पर कुलपति ने आदेश दिया कि विश्वविद्यालय अपने खर्चे पर अंक तालिका और माइग्रेशन सर्टिफिकेट छात्र छात्राओं के घर पर भेजे, ताकि इन लोगों को बार बार यहाँ आने की जरूरत न पड़े। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय से माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने के लिए तकरीबन 10 से 15 दिनों का वक्त लगता है। इसके लिए छात्र छात्राओं को कई कई बार विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। परिसर पर गंदगी देखकर भड़के कुलपति निरीक्षण पर निकले। कुलपति परिसर में गंदगी के ढेर देखकर भड़क गए। उन्होंने आदेश दिया कि परिसर में गंदगी फैलाने वाले लोगों पर 500 रुपये बतौर जुर्माना वसूल किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी बिलों और फॉर्मों के फॉर्मेट ऑनलाइन किए जाएं और पुराने रिकॉर्ड्स को जल्द से जल्द डिजिटलाइज किया जाए। इस दौरान कुलपति के साथ रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल कुमार यादव, डीन प्रशासन डॉक्टर सुधांशु पांड्या, SL पॉल, ज्ञानेन्द्र शुक्ला, डॉक्टर विवेक सचान, विनय कुमार और मनीष द्विवेदी मौजूद रहे। We'll be right back.